बीसीएन न्यूज, बात आपकी, खबर हमारी। खबर हमारी। हाथरस के कस्बा हसायन के गांव क्षितिपुर में प्रधान द्वारा कराया गए विकास कार्यों की जांच हेतु ग्रामीणों ने प्रशासन से गुहार लगाई, जिस पर जांच करने आई टीम के साथ कुछ दबंग किस्म के लोगों ने अभद्रता की, जिस पर जांचकर्ता टीम मौके से लौट गई और पुनः अगली तारीख को पुलिस बल के साथ आकर जांच करने का आश्वासन दिया। पुलिस तो आ रही है, सब कुछ अभी आ रही है, हमारा ऑथराइज लेटर नहीं है, लेटर को लाइए। यहाँ पे निहाल सिंह और 19 लोग और टोटल मिलाकर 20 लोगों ने यहाँ पे जो वर्तमान में प्रधान है श्रीमती शकुंतला देवी के खिलाफ एक शिकायती पत्र प्रस्तुत किया था, उसमें हमें नोडल अधिकारी बनाया गया था। परंतु यहाँ आकर के हमने देखा कि जो जनता है आपस में मन मुटाव के कारण या कैसे भी आपस में कुछ यहाँ पे झगड़ा होने की संभावना है, इसलिए हम इससे अगली कोई डेट देंगे और उसके बाद में पुलिस बल को इन्फॉर्म करेंगे, तब आगे की जांच करेंगे। निहाल सिंह नाम है, गांव श्यामपुर रहता हूँ, हाल निवास मेरा हसान में, मोहल्ला किशन ब्लॉक हसान जिला हाथरस। अच्छा, क्या समस्या है यहाँ पे? यहाँ पर विकास कार्यों में बहुत धांधली हो रही है, प्रधान ने काफी धन निकाल लिया है और कोई काम नहीं हुआ। उच्च अधिकारियों ने आज जांच की, जांच में जो है प्रधान के देवर ने दबंग बने से जांच नहीं होने दिया, अधिकारी आगे अगली जांच की भूल के चले गए। प्रधान का क्या नाम है? शकुंतला देवी। कहाँ रहते हैं ये? श्यामपुर। जांच अब आगे होगी? हाँ, अब आगे अधिकारी उच्च अधिकारी आगे भी कह गए। सत्येंद्र कुमार, प्रधानपति। या क्या बात होगी यहाँ पे, क्या जांच हो रही है? जो सर, इन लोगों ने कुछ निहाल सिंह वगैरह ने, कुछ लोगों ने 18-20 आदमियों ने एफिडेविट प्रधान के खिलाफ लगाए, मेरी पत्नी है। अच्छा। उसकी जांच के लिए आए थे। अच्छा। जांच में सारे साक्ष्य मेरे पास मौजूद हैं। अच्छा। इसमें आपसे में इन लोगों ने बलवा फैला करके जाँच कमेटी वाले द्वारा चले गए, वो आगे की कह गए। अच्छा। हम भी चाहते हैं निष्पक्ष जाँच हो। अच्छा। राष्ट्रपति पदक सम्मानित विमोक्ष चटका मशीन। अगर आप परेशान हैं अपने खेतों में आवारा पशुओं के आतंक से, या फिर आप परेशान हैं अपने घर में घुसने वाले बंदरों से, तो आप लगवाएं हमारी विमोक्ष चटका मशीन। इस मशीन के संपर्क में आते ही आवारा पशु, कुत्ते या बंदरों को इलेक्ट्रिक झटका लगेगा, जिससे वह दोबारा वहाँ नहीं आएंगे। इस मशीन के झटके से कोई जनहानि नहीं होगी, क्योंकि मशीन द्वारा तारों में फैला करंट मात्र 1.3 वॉट का है, इस करंट से किसी की मौत नहीं हो सकती। मेरा नाम अतुल दीक्षित, मैं गांव कलवारी का रहने वाला हूं, मैं एक किसान हूं। ये सोलर फेंसिंग की लाइन जब से मैंने लगवाई है, आवारा पशुओं का आना जाना बंद हो गया है।